आज के वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको वीडियो को कंप्रेस करने नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे आदमी हैं जिनको बोल दिया जाए कि मेरा 800, 900 या 200 या 1 GB या 2 GB का वीडियो है, इसको कंप्रेस करके कम कीजिए और इसका क्वालिटी भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो बोलता है कि हमें वीडियो को कंप्रेस करने नहीं आता है। सो गाइस, मैं ही इंजीनियर राजा और मैं आपको ऐसा ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका जो वीडियो है, जो बड़ा साइज का वीडियो है या 1 GB 2 GB का वीडियो है, उसको आप कैसे कम करेंगे और आपके वीडियो का जो है क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो चलिए सीख लेते हैं कि कौन सा वो एप्लीकेशन है जिससे हम अपने वीडियो को रिसाइज कम करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे और मेरा जो वीडियो है उसका क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो चलिए वो सीख लेते हैं कि कौन सा वो एप्लीकेशन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको वीडियो कंप्रेस को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको कर रखा हूँ तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि हम वीडियो शूट करते हैं तो वो ज़्यादा MB में शूट होता है, तो हम सोचते रहते हैं कि वीडियो का साइज कैसे कम होगा, कैसे उसको रिसाइज करेंगे। तो मैं आपको ये वाला एप्लीकेशन से बताऊंगा कि आप अपने वीडियो कैसे कंप्रेस करेंगे और उसका साइज कैसे कम करेंगे और आपके वीडियो का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज का साइज भी इसमें कम कर सकते हैं, इसका MP3 कम कर सकते हैं, वीडियो कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ वीडियो का जो साइज कम करके, यहाँ से मैं वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा 3 वीडियो है, यहाँ पर देख रहे हैं 248.5 MB का है, 85.5 MB का है और 26.5 MB का है। चलिए मैं छोटा वाला ही चूज कर लेता हूँ क्योंकि कंप्रेस होने में टाइम लगता है, जितना बड़ा वीडियो आपका होगा उतना टाइम ये कंप्रेस होने में लगता है। तो मैं यहाँ आपको ये वाला चूज करके दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आपको कोई वीडियो को आपको कंप्रेस कर लेना। मैं यहाँ देखिए, मेरा वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ कंप्रेस वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियो को आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो कंप्रेस हो जाता है तो यहाँ शेयर कर सकते हैं, यहाँ एक्सट्रैक्ट MP3 कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को रिसाइज करके कंप्रेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ कंप्रेस वीडियो वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कि आपका जो यहाँ पे साइज आ चुका है। जब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और कस्टम का। कस्टम पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 26.5 MB का जो है ये वीडियो है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 27.9 MB का है। तो यहाँ पे इसका है ग्रैसेल का साइड में ग्रैसेल है और यहाँ पे है रिमूव ऑडियो। तो इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वीडियो में जो भी आपका ऑडियो होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है। इसका जो वीडियो का साइज कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वीडियो रेजोल्यूशन, इसको जितना कम कीजिएगा यहाँ पर देखिए वीडियो का इस तरीके से आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे बिट रेट भी आप इसको कम कर सकते हैं जितना बिट रेट करना चाहते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगा कि बिट रेट आप इसको कम नहीं कीजिए। इसके बाद यहाँ अपना रेजोल्यूशन कम करना चाहते हैं तो यहाँ रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 3 मिनट आपको मिल जाता है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और कस्टम का। तो यहाँ पर मैं आपको हाई क्वालिटी से बताऊंगा किस तरीके से आप अपने वीडियो का जो है कंप्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 25 MB का आ चुका है हाई क्वालिटी का, यहाँ वीडियो रेजोल्यूशन है इतना आपका। इसी तरीके से यहाँ 720 पिक्सल में आपको है वीडियो का रेजोल्यूशन है 1280x720 और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइज है 25 MB का। इसी तरीके से यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे साइज कम होता हुआ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि ये 5 मिलियन इसका जो है डाउनलोडिंग का है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो है डाउनलोडिंग 5 मिलियन किया गया तो कितना अच्छा यह एप्लीकेशन होगा। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, यहाँ मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन करके यहाँ मैं 25 MB का वहाँ शो कर रहा था, यहाँ पे आपका लास्ट है 2 MB का। तो मैं यहाँ पे आपको ये वाला करके दिखाता हूँ हाई क्वालिटी का। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला चूज कर लेता हूँ इस तरीके से।
स्क्रॉल डाउन करके मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ पर देखिए 25 MB का यहाँ पे है, यहाँ 25 MB का, और मैं ये HD में इसको कर लेता हूँ, तो HD में करने के लिए यहाँ पर देखिए 14 MB का है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक किया, जैसे देखिए यहाँ ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पर देखिए आपका वीडियो कंप्रेस यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये कंप्रेस हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये वाला जो है जो कंप्रेस हुआ है इसका साइज और जो ओरिजिनल है उसका साइज दोनों का कितना अंतर है और इसका जो क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसको आपको कंप्रेस होने देना है, जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ये टाइम लेगा। तो मैं इसको कंप्रेस होने देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ओरिजिनल वीडियो है, मैं इसका साइज आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको मोड पे जाएंगे, मोड पे जाने के बाद यहाँ डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए 26.47 MB है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इसका आपको क्वालिटी देखिए कैसा है, इसको आपको क्वालिटी देख लेना है। इसके बाद में जो कंप्रेस किया हूँ उसका भी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उसका क्वालिटी कैसा है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, तो आप देख लीजिए इसका क्वालिटी कैसा है। इसके बाद मैं जो कंप्रेस किया हूँ उसको मैं दिखाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद मैं जहाँ रख रख जो कंप्रेस हुआ है मैं वहाँ पर जाता हूँ। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, आपके मोबाइल में जहाँ भी होगा वहाँ से आपको ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पर न्यू करके आ रखा है यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका भी साइज मैं दिखा देता हूँ। इस डिटेल पर जाऊँगा, डिटेल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि ये 17.55 MB में ये कंप्रेस होके आ चुका है। तो इस तरीके से मैं अब इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका क्वालिटी और उसका क्वालिटी कितनी है। तो मैं यहाँ जाऊँगा प्ले वाले पे, इसको आपको प्ले करके मैं यहाँ पे इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी जहाँ 25 MB का था वहाँ यहाँ पर 17 MB का हो चुका है। तो यहाँ पर वहाँ 25 MB का था, यहाँ पर 17 MB का हो चुका है और इसकी क्वालिटी आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो क्वालिटी बहुत ही आसानी से यहाँ पे कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसका क्वालिटी यहाँ पे कम कर रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा होगा कि जो आप जो भी वीडियो का जो कंप्रेस किए हैं वो ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा इसकी क्वालिटी है। जहाँ वहाँ 25 MB का था यहाँ पे 17.55 MB का हो चुका है। तो इसी तरीके से ये आप कोई भी वीडियो का साइज आप कम कर सकते हैं, चाहे आप शूट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, कोई वीडियो का आप इस जो है एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से अपने वीडियो का साइज कम कर सकते हैं और आपके वीडियो का साइज बहुत कम हो जाएगा और वो अच्छे क्वालिटी में रहेगा, ख़राब भी नहीं लगेगा। तो गाइज अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं की है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो गाइज यही वो एप्लीकेशन है जिससे आप अपने वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके साइज को कम कर सकते हैं और आपके वीडियो का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।